नशे दो लाए आपा, एक एक तेरा बस। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस, आपने जो अभी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आपने इस तरीके की वीडियो इंस्टाग्राम रील पे ज़रूर से देखी होंगी। इस तरीके की वीडियो इंस्टाग्राम रील पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होती हैं। सो गाइस, आज आपको मैं इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, ये वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VN एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है, जो आपको ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों पर मिल जाएगी। उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको फ़ोटो वाले ऑप्शन पे आने के बाद गाइस, यहाँ से आपको एक अपनी फ़ोटो ऐड कर लेनी है, जिस फ़ोटो पर आप ये वाली वीडियो बनाना चाहते हो। फ़ोटो लेने के बाद आपको एंड में ब्लैक वाला वाटरमार्क आएगा, आपको इसे डिलीट कर देना है। फिर यहाँ पर आपको शुरू में आना है, म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर आना है, म्यूज़िक पर आना है और गाइस, यहाँ से आपको म्यूज़िक ले लेना है। म्यूज़िक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। फिर आपको नीचे म्यूज़िक बीट्स पर क्लिक करके यहाँ से बीट लगानी है। बीट से पहले आपको एक काम और करना है, आपके फ़ोटो की लेंथ छोटी होगी तो आपको अपने फ़ोटो की लेंथ को बड़ा करना है। कितना बड़ा करोगे? जितना बड़ा आपका म्यूज़िक रहेगा ना, आपको उतना बड़ा करना है। जैसे इसे मैं म्यूज़िक के बराबर फ़ोटो को कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपको इस पर म्यूज़िक पर बीट लगानी है। बीट लगाने के बाद आपको क्या करना है वो बता देता हूँ। बीट टाइम मैं आपको अभी बताता हूँ। जब आप बीट लगा लोगे, बीट पर टच करना है, वीडियो को स्प्लिट करना है, अगली बीट पे क्लिक करना है, इस फोटो को भी स्प्लिट कर देना है, ठीक है। फ़ोटो को स्प्लिट कर दिया दोनों जगह। अब क्या करना है, आपको इफेक्ट लगाने। इफेक्ट आप कौन से लगाओगे? नीचे आपको इफेक्ट्स मिलेगा, इफेक्ट्स पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आपको एक इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम है जिटर डाउन। जिटर डाउन लगा के ग्रीन बॉर्डर आपको शुरू में कर देना है और इसका ग्रीन बॉर्डर बड़ा भी कर देना है, यहाँ से राइट कर देना है, ठीक है। अभी नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जूम का, जूम पर क्लिक करके इसमें आपको जूम इन लगाना है, जो उस वीडियो में लगा हुआ था मैं उसके जैसी आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। सेकंड वीडियो पर क्लिक, फोटो पर क्लिक करना है, इस पर भी आपको जूम इन लगाना है, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट पर क्लिक करना है, इस पर आपको जूम आउट लगाना है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लस वाले इफेक्ट की। जैसे फर्स्ट में प्लस आ रहा है आपका, सेकंड में प्लस आएगा, इस प्लस पर क्लिक करके ब्लैक लगाना है, राइट कर देना है। इस प्लस पर क्लिक करके ब्लैक लगाना है, राइट कर देना है। लास्ट वाले प्लस पे भी क्लिक करके आप ब्लैक लगा लेना, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसमें मैं आपको बीट टाइम बता देता हूँ। बीट टाइम आपको किस टाइम पर लगाना है, बीट पर क्लिक करना है, वो म्यूज़िक पर क्लिक करना है, बीट्स पर क्लिक करना है। गाइस, आपको फर्स्ट वाली बीट लगानी है 2.77 पर, ठीक है। सेकंड बीट आपको लगानी है 5.60 पर। यह आप दो बीट लगा लेना, यहाँ से राइट करके आपको बाकी काम करना है जो मैंने आपको बताया। अब आपको इसमें एक फ़िल्टर और लगाना है गाइस, इंस्टाग्राम से ये वाली वीडियो का। तो वो फ़िल्टर आप कैसे लगाओगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। गाइस, मैं ये वाली वीडियो के साथ ना इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो रिमिक्स कर दूँगा ड्यूड, तो आप उस वीडियो में जा, इस वीडियो में आने के बाद ना ब्लैक एंड वाइट वाले फ़िल्टर पे क्लिक करके ना यहाँ से आप फ़िल्टर लगा लेना। अगर आपसे फ़िल्टर पे क्लिक करके लगाना नहीं आता तो साइड में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप देख लेना, कि जिसमें मैंने बताया वीडियो पर फ़िल्टर कैसे लगाएं, ब्लैक एंड वाइट वाला या कोई भी फ़िल्टर, ठीक है। अभी गाइस हमारी वीडियो बन गई है, एक बार प्ले करके देख लेते हैं कैसी लग रही है। उससे पहले आपको बर ओरिजिनल पे क्लिक करके 9.16 वाला साइज लगा लेना है। नशे दो लाए आपा, एक तेरा बस। सो गाइस, देखा आपने वीडियो कितनी प्यारी लग रही है, आई होप आपकी अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो गाइस आपको पसंद आई हो लाइक ज़रूर से करना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। और आप चाहो तो ब्लैक एंड वाइट वाला फ़िल्टर यहाँ से भी लगा सकते हो। यहाँ से आप नीचे फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसमें आना है गाइस, आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको फिल्म नाम का। फिल्म पर क्लिक करके फिल्म का यहाँ पर आपको लगा लेना है इसका इफेक्ट F6 वाला। F6 लगा के नीचे आप दो बार राइट पर क्लिक कर देना है, सब पर आपके लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से भी आप लगा सकते हो। वीडियो आपको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से गाइस आपको इतना साइज रख के वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।